टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। Thank you. बड़ी नवाजिश, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मोहसिन अब्बास हैदर और ये प्रोग्राम है बिल्कुल अछूता, बिल्कुल नया, बिल्कुल नवेकला, बिल्कुल ही कच्चा सा अभी क्योंकि आज इसका पहला एपिसोड हम आपके लिए पेश करने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट द फन। और आज हमने जो दिन चुना है इसके लिए वो हम सबके लिए बहुत स्पेशल है और आज हम लोगों ने हमारे स्पेशल गेस्ट भी इसीलिए बुलवाए हैं यहाँ पर और उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सर, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। मैम, आपका भी शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए। हमारे जो ऑडियंस में भी बैठे हैं वो भी हमारे बहुत काबिल एहतराम मेहमान हैं, तो उन सब का शुक्रिया। और जो नाज़रीन हमें देख रहे हैं स्क्रीन के उस पार, उनका शुक्रिया कि उन्होंने ट्यून इन किया, आज हमारे पहले एपिसोड का इंतज़ार किया और बहुत आपके पैगाम, इस प्रोग्राम के पोस्टर्स और इस प्रोग्राम के जो हमने टीज़र्स डाले थे उसी पर आने शुरू हो गए थे एंड यू गाइज़ वर वेटिंग फॉर दिस। सो उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपकी मोहब्बतों के हम मकरूज़ हैं। और 14 अगस्त का दिन हम सब के लिए कितना कीमती है, कितना अहम है, इसमें मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई तमहीद बांधने की ज़रूरत है। और 75 साल आज़ादी के हम आज मनाने जाएंगे और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैं इन लोगों के बीच में, मुझ हाकसार को इन लोगों ने ये मौका दिया कि मैं इन लोगों के सामने खड़ा होकर कुछ कह सकूँ या इन लोगों को अपने सामने इस तरह से देख सकूँ और इनकी ज़ियारत कर सकूँ। यकीन मानिए कि यही वो लोग हैं, यही वो अहम लोग हैं जिनकी वजह से हम लोग ये सब कर पाते हैं जो मैं कर रहा हूँ। और पिछले 20 साल से इस दस्त की सयाही में मैं जो जो हरकतें करता आ रहा हूँ उसमें कहीं ना कहीं मैं इन लोगों का भी मकरूज़ हूँ क्योंकि इन लोगों की तमाम तर कुर्बानियों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमारे घरों में जो आराम है, आपकी ज़िंदगियों में जो सुकून है, वो सब इन्हीं की बदौलत है। और ये लफाजी नहीं है, ये किसी अफसाने की लाइनें नहीं हैं, ये यकीनन हकीकत है और ये ऐसी हकीकत है जिसे कोई भी पाकिस्तानी इनकार नहीं कर सकता। तो आप लोगों का शुक्रिया और आपके लिए मैं
तालियां बजाना चाहूँगा। मैं मशहूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रिया। इन सब के साथ साथ आज हम कुछ ऐसी शख्सियात का भी शुक्रिया अदा करते हैं। सबसे पहले तो इस मुल्क का शुक्रिया अदा करते हैं जिसने हमें वो शख्सियात भी दी। तो मैं चाहूँगा कि मैं जितने भी नाम लेता चला जाऊँ उन सब के लिए हमारी तालियां न रुकने पाएँ, क्योंकि वो हम सबसे बहुत मावरा थे, हम सबसे बहुत अजीम थे। तो मुझ नाचीज़ के ज़बान इस काबिल नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उनका हक अदा कर सकूँ। सबसे पहले शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान कि आपने हमें नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब जैसा एक अजीम नाम दिया, आपने हमें अल्लामा इकबाल दिए, आपने हमें कायदे आज़म दिए, आपने हमें आरफा करीम दी, आपने हमें मलाला यूसुफ जई दी, आपने हमें अब्दुल सत्तार ईदी दिए, आपने हमें अब्दुल कदीर खान साहब दिए, और ऐसे कई नाम दिए जिनकी वजह से ये पाकिस्तान पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। आपका शुक्रिया। मिजाज बखैर हैं आपके? जी बिल्कुल। इसमें गरामी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। कैप्टन खालिद सर, थैंक यू। मोहसिन अब्बास हैदर रिपोर्टिंग। थैंक यू सर। मिजाज ठीक है आपके? गुड टू सी यू सर। सेम टू हैव यू। गुड टू हैव यू। थैंक यू। व्हाट्स योर नेम? शेफ नोफल अंजुम। शेफ नोफल अंजुम, कैसे मिजाज हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। वेलकम टू डब्ल्यूटीएफ, और आपकी शर्ट पे ऑलरेडी एक एफ है। सो हमारे एफ का मतलब फिल लेते हैं एक्चुअली। हां, हमारे एफ एफ का मतलब फन है। ओके, नॉट इफ यू नो व्हाट आई फूड। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। फैसल है, फैसल है। फैसल, फैसल आप क्या करते हैं? मैं कस्टम्स क्लियरेंस में होता हूं, मेरा काम है। साहब कैसे हैं आप? सर मैंने कुछ नहीं किया सर। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? इतनी गर्मी में सूट पहन कर आया, क्या नाम है आपका? आई एम सो सॉरी, मैंने भी शर्ट पहनी है। बिल्कुल सही बात है, और हमने टोपी भी लगाई हुई है। जवाद नाम है। जवाद भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या करते हैं? मैं बैंकर हूँ। मैं आप लोगों की खिदमत के लिए होता। क्या बात है सर, बेहतरीन बेहतरीन। तो आप लोग दोनों बिल्कुल साथ साथ खड़े, बहुत अच्छा किया आपने, गुड डिसीजन। मैं फ्रॉम कैसी आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सैयदा सारा रहमान। माशाल्लाह, जीती रहिए। और क्या करती हैं आप? मैं डिप्टी डायरेक्टर एज एन एडमिन ऑफिसर जिना टर्मिनल पे पोस्टेड हूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऑडियंस आपकी अपनी है ना, तो इसलिए ये हम भी करते हैं। हमारे कॉन्सर्ट्स अगर कभी ठंडे पड़ते हैं तो हम अपने लोगों को कहते हैं चलना जरा उठा के रखोगे। आप क्या करती हैं? मैं एजुकेशनिस्ट हूं। और आपका इसमें ग्रामीण है? मेरा नाम अरीबा है। अरीबा, अरीबा रजा खान। ओके नाइस, गुड टू नो। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए हमारे शो में, बहुत नवाजे। गिना मैंने टाइम, गिना 3 सेकंड कम तालियां बजाई आपके लिए इन्होंने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है नूरुल एनिस माई। क्या बात है, हसीन नाम आए आज सारे, वाह वाह वाह। और आप क्या करती हैं? थैंक यू सो मच, मैं हूं ब्यूटी एंड स्किन कंसल्टेंट। अच्छा, एक्चुअली मेरा ना थोड़ा सा ऑयली स्किन है ना थोड़ी। जी जी, और बाद में बाद में बाद में बाद में करते हैं, इनको जाने नहीं देना किसी ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? इसमें गरामी क्या है आपका? अल्लाह अल्लाह, नाम देख रहे हो, नाम देख रहे हो। महापारा क्या करती हैं आप? मैं पिछले 18 साल से शोभा तालियों से। अरे क्या बात है, असातिज़ा के लिए तालियां यार, वाह वाह वाह, क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, जीती रहिए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी। मुझे ऐसा लगता है कि फौज और हमारे जितने भी इदारे हैं उनके बाद वालिदैन तो हमारी तरबियत करते ही हैं, लेकिन जितना भी किया धरा होता है, मैं हमेशा कहा करता हूँ कि जितना भी मैं कुछ अच्छा करता हूँ ज़िंदगी में, कुछ बेहतर करता हूँ, अच्छी खुशगुफ्तार हूँ या खुशगुलू हूँ, तो उसमें सारा कमाल मेरे वालदैन और असातिज़ा का है, और जितना मैं बुरा करता हूँ उसमें कहीं ना कहीं मेरी अपनी रियाजत की कमी होगी, उनका कोई कसूर नहीं है। उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि मैं एक अच्छा आदमी भी बन सकूँ, लेकिन जहाँ जहाँ जो जो अच्छाइयाँ हैं उसका सारा क्रेडिट मेरे वालदैन और मेरे असातिज़ा का है, तो असातिज़ा का बहुत शुक्रिया। ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ना आज आपको हम बताते चलते हैं कि व्हाट द फन में आज हमारा जो पहला सेगमेंट है, इसमें गेम शो है इट्स बेसिकली, और ये फैमिली ओरिएंटेड शो है बहुत ज्यादा, इसके नाम पे मत जाइएगा, देयर इज एफ मींस फन। सो व्हाट द फन में हम गेम्स खेलेंगे, फैमिलीज आया करेंगी, इस तरह के हमारे काबिल एहतराम मेहमान आया करेंगे, और उनके साथ हम चिट चैट करेंगे, फनी गेम्स खेलेंगे, कुछ सवालात करेंगे, ऐसे सवालात जो हम आप ही के बीच में से सर्वे करके निकाल के लाया करेंगे उन सवालों के जवाब, और फिर देखा करेंगे कि उन सर्वेज में इनके जवाब कितने मैच करते हैं, और जो टीम जीतेगी वो विन करेगी ट्रॉफी ऑफ WTF। सो आर यू गाइस रेडी? सर टीम ए उनको दे दें,
है ना, टीम में उनको कर लेते हैं। लेडीज ऑलवेज फर्स्ट सीन है। यस सही है, वुमेन एम्पावरमेंट। यस दैट्स राइट। यस यस सर। सो टीम ए के लिए बहुत ही तालियां। आर यू गाइस रेडी? टीम बी, कम ऑन गाइस, कम ऑन, आर यू गाइस रेडी? यस यस। ओके सो व्हाट द फन का आज पहला सेगमेंट जो है वो है टॉप रिस्पॉन्स। ओके सो टॉप रिस्पॉन्स में आपसे सवालात किए जाएंगे टीम ए, आपको हर जवाब के 10 नंबर मिलेंगे और कोशिश करिएगा कि आप लोग आज यहां से जीत कर जाएं। ओके आर यू गाइस रेडी? सो वो काम जो पाकिस्तानियों को कभी भी करने में जरा शर्म महसूस नहीं होती। गार्बेज कहीं भी कभी भी थ्रो, कचरा गिराने में ना, कचरा गिराने में। ओह आई स्वेयर, ये तो होना। ये तो आपसे सवाल ही नहीं करूंगा। इतनी तालियां कौन बजाता है भाई? ओके ये कचरे वाली बात पे मैं जरूर तंबीह करना चाहूंगा। जहां जहां लिखा होता है वहां पे सबसे बड़ी कचरा कुंडी होती है। बाबा यह शफाक अहमद साहब फरमाया करते थे कि उनके नवासे ने आकर जब उनको एक दफा कहा कि बाहर बैल हुई है और बाहर कूड़े वाला आया, बाबा जी ने उसको कहा कि बेटा वो कूड़े वाले नहीं है, वो सफाई वाले हैं, कूड़े वाले हम हैं। सो तो अगर हम हमारी सोहबत ठीक कर लें, अगर हमारे पास किताबें पढ़ने का वक्त नहीं है तो हम बाबा जी इशफाक अहमद साहब, बानो कुदसिया आपा या ऐसे जितने भी लोग हैं उनको सुन लिया करें, यूट्यूब पे ऐसी गाड़ी में जाते हुए मजे से सुन लिया करें, उनकी अच्छी अच्छी बातें तो उससे भी काफी सीखने को मिलेगा। गुड आंसर मैम, थैंक यू। और सर आप बताइए, हो गया था वो हो गई थी बात। यस मैम, यही सवाल आपसे है कि वो काम जो पाकिस्तानी को करने में कभी शर्म नहीं आती, आपका क्या लगता है ऐसा? क्या झूठ बोलने में? झूठ बोलने में ना, ये तो होगा। मैं कह रहा हूं होगा। ओके सो आपको क्या लगता है हमें किस काम करने में शर्म नहीं महसूस होती? मेरे ख्याल से धोखा देना। धोखा देना मिला आपको? बहुत दफा। क्या सर्वे कहता है, किसी को धोखा मिला? किसी को धोखा नहीं मिला? देखिए मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। अब लोगों को नहीं लगता, जवाब अच्छा था, धोखा बिल्कुल हाँ हम देते हैं और हमें बिल्कुल शर्म महसूस नहीं होती, लेकिन लोग आपसे मुत्तफिक नहीं है। okay. हम दोनों मुत्तफिक है ना, मैंने आपसे स्किन ट्रीटमेंट जो करवाना है मुझे आपसे मुत्तफिक होना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। मैम आपको क्या लगता है उस्तानी जी के हम पाकिस्तानी को कौन सा काम करने में बिल्कुल शर्म नहीं आती? आई थिंक शो ऑफ करने में। शो ऑफ करने में शोधे हैं ना हम थोड़े से, बिल्कुल ही भरमबाजी। भरमबाजी अच्छा। तो मैम आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तानियों को कौन सा ऐसा काम है जो करने में बिल्कुल आर महसूस नहीं होती? और एक सिग्नल तोड़ते हुए क्या करते हैं? सिग्नल तोड़ना, सिग्नल तोड़ने में बिल्कुल। ओके सिग्नल तोड़ना है टेस्ट। सिग्नल आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी कौम कौन सा ऐसा काम है जो करने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करती? रिश्वत लेने में। यस यार इतनी खामी है कि बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मुझे लगता है। कहां कहां से सुधार लाएंगे हम? रिश्वत नहीं लेते, काटा इसको बुराई नहीं मानते है ना, इसको जैसे हम झूठ को बुराई नहीं मानते ना उसी तरह हम हां रिश्वत लेने को भी बुराई नहीं मान रहे। लेकिन जवाब बिल्कुल दुरुस्त है आपका। आपको क्या लगता है ब्यूटीशियन साहिबा के पाकिस्तानी कौम कौन सा काम करने में बिल्कुल आर महसूस नहीं करती? अपनी मनमानी करने में। अपनी बस अपनी मनवाना, अपने अपनी मनवाते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, किसी को भी कुछ नहीं, किसी की सुनना ही नहीं है, सिर्फ अपनी माननी है, अपने अपने वर्ड्स पर ही इम्प्लीमेंट करना है। बहुत दुखी है, मैंने हिसाब लगाया। नहीं नहीं आपको धोखा आपको मिला है। अच्छा मजे की बात है, आपसे मुत्तफिक कोई नहीं कर रहा। मैम आपको क्या लगता है कि हम पाकिस्तान कौन सा काम करने में आर महसूस नहीं करते?
बेईमानी बेईमानी करने में बेईमानी करने में नाप तोल में गलती बेईमानी करने में क्या हम लेकिन चूंकि आपके सवाल खत्म हो गए हैं सो हम अब ऑडियंस से पूछते हैं कि जो दो बच गए हैं उनको क्या लगता है ऐसा कौन 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 खवातीन से पूछते हैं यस प्लीज मैम आप बताइए वेट करवाने पे वेट करवाने में वजन वाली मशीन पे वेट नहीं करवाते हम इंतजार इंतजार इंतहा हो गई वो वाला इंतजार करवाने में हाँ इंतजार हम करवाते हैं आपका जवाब बहुत अच्छा था एनीवन फ्रॉम द बॉयज यस सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम पहले तो आपको क्या लगता है सोर्स लगवाने में हम सबसे पहले अपने माशरे में जो चलती है सोर्स जो चलती है हर बंदा सोर्स सिफारिश 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 हाँ सिफारिश 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 हाँ सिफारिश है टीम ए के नंबर कितने वैसे तो आखिरी जवाब दिखाई दे अब क्या रह गया इसमें काम चोरी काम चोर आलसी सुस्त निकम्मे मार्क्स है टीम ए के कम ऑन गाइस नॉट बैड नॉट बैड सारे को सही दे दिए उन्होंने भाई मुकाबला सख्त हो जाएगा 50 नंबर देने बॉयज आपको तो आप टीम ए से जीत पाएंगे सो आपका सवाल है टॉप रिस्पांस में हाँ पाकिस्तानियों की वो कौन सी आदतें हैं जो बजाय छूटने के और बढ़ रही हैं कैप्टन साहब जी मेरे ख्याल में तसन्नो जो है वो बहुत बढ़ गई है एक ज़माने में सादगी थी आज से कुछ अर्से पहले जो हमारे फोर फादर्स थे दे वर वेरी सिंपल पीपल मगर आजकल ये है कि लोग जो है बनावट तसन्नो और उसी की भी शो ऑफ करते हैं शो ऑफ बिल्कुल ठीक है शो ऑफ करते हैं तसन्नो करते हैं बनावटी हैं दिखावा करते हैं यस इट इज थैंक यू 10 नंबर उचक लिया आपने 30-40 नंबर और चाहिए आपको मिस्टर शेफ आप बताएंगे हमें कि पाकिस्तानियों की वो कौन सी आदतें हैं जो छूटने की बजाय बढ़ रही हैं रॉन्ग में आना जहां को मौका मिलता है वहां वो रॉन्ग में आते हैं उस डिटाई का सलाम है कि जिस पे वो एक तो रॉन्ग आते हैं और अगर आप उनको क्या एग्जैक्टली चला जा क्या ऊपर से हाई बीम पे रॉन्ग आते हैं हाई बीम पे लाइक ओ मेरे खुदा या मेरे मौला एग्जैक्टली आई टोटली एग्री बहुत दुखता है मुझे कभी कभी मुझे लगता है मैं ट्रैफिक पुलिस में होता हूं कभी कभी मैं देखता हूं सामने के खड़े हो जाओ वहां से जाओ Yes, exactly. शर्म नहीं आती भाई हारना नहीं है शर्म तुमको मगर नहीं आती अफसोस सर आप बताइएगा कि पाकिस्तानियों की वो कौन सी आदतें हैं जो आपको लगता है कि छूटने की बजाय बढ़ती चली जा रही वैसे तो गालियां भी है गालियां देना बदज़बानी करना बदज़बानी करना बदज़बानी करना भी हाँ ठीक है हाँ शॉर्ट टेम्पर हो गए हम और रमजान में तो हम उसको फर्ज समझते हैं कि मेरा रोजा है यार मुझसे आज, आज ना करें हम ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं यस सर सर्वे क्या कहता है इस बारे में लेट्स सी क्रॉस नहीं यार ओके इट्स ओके दैट्स ओनली फाइन यस सर आप बताइएगा कि ऐसी कौन सी आदत लगता है आपको पाकिस्तानी की जो बढ़ रही है छूटने की वजह जगह जगह थूकना हाय हाय ग्रॉस गंदे और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं यहाँ थूकना मना है पे ही थूकते हैं सब जगह पान की पिचकारियां वहीं पे दिखती हैं हमें जगह जगह थूकना दिखाओ है आई एम श्योर होगा यस सर आप बताइएगा कि पाकिस्तानियों की आपको लगता है कौन सी आदत है जो छूटने की बजाय बढ़ रही है बढ़ती जा रही है ज्यादा ये है कि हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है किसी जमाने में जो सिंपल लाइफ थी तो लोग सुकून से रहते थे और उसी चीज पे कंटेंटेड होते थे आजकल जरा सी कोई बात होती है आप देखें गाड़ियां जा रही हैं सड़क के ऊपर आप लोग कल आ जाइएगा या लालच है लालच आजकल लालच 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 इज द आंसर लालची हो गया लालच इज द राइट वर्ड लालच करना है यस कैप्टन साहब भाई दोस्तों भाइयों बुजुर्गों ऐसा है कि मैच ड्रॉ तो हो गया 40 मार्क्स तो आप लोग उचक चुके हैं और अब हमारे पास सिर्फ 10 और लेने और आपको क्या लगता है मिस्टर शेफ के पाकिस्तानियों की ऐसी कौन सी आदतें हैं जो बढ़ रही हैं सिगरेट नशा जहाज पे उड़ान बताइए जरा नशे की लत जो है हमारी काम को लग रही है वो बहुत ये गलत है और सही है ये था देखिए आप ठीक कह रहे हैं लेकिन लोग इससे इत्तेफाक नहीं करते 90% या
जो भी परसेंटेज हमारी होती है इसकी हमारे सर्वे की, वो इससे इत्तेफाक नहीं करते। लेकिन हाँ, ये एक लत है तो सही जो कि बढ़ती चली जा रही है पार्टीज में, नशा करना और सिगरेट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट इट्स ओके, लोग आपसे इत्तेफाक नहीं करते, कोई बात नहीं, इट्स ओके, लाजमी नहीं है सब आपसे इत्तेफाक करें। आप बताइए मुझे सर, के पाकिस्तानी को ऐसी कौन सी आदत है जो बढ़ती चली जा रही है छूटने की बजाय? उधार लेके वापस नहीं देते। मेरा भाई, मेरे भाई के दिल से आई है, उधार लेके वापस नहीं, किसने देना है, दे दो वापस यार, बेचारा नेशनल टीवी पे रोने लग गया, दे दो। यस सर, क्या हमारे पास है, उधार लेकर वापस नहीं करते? ये होना चाहिए था वैसा ही है, ये आजकल सबसे बड़ा इशू है। हाँ है तो सही, दो कंसेक्यूटिव गलत जवाब हो गए, अब आपके पास आखिरी चांस है, आप बताएंगे। जितवाना है हमें या नहीं जितवाना, ये भी पूछना जरा। यार जान के हरवा रहे हो क्या बॉयज को, ऐसे नहीं करो। जी बताइए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों की वो कौन सी आदत है छूटने की बजाय बढ़ती चली जा रही? जुल्म करना। जुल्म करना नहीं, जुल्म की आदत, पाकिस्तानियों की जुल्म करने की आदत भाई, ये भी गलत है। क्या कर दिया, बराबर हो गया, गलत हो जाएगा, झूठ बोलना था, ड्रॉ हो गया, ड्रॉ हो गया। चलिए कोई बात नहीं, इट्स ओके, वेल पेड गाइस, वेल पेड। और अब जो बचे कुछ जवाब हैं, क्योंकि दो जवाब अभी बाकी हैं, तो आप में से कौन बताना चाहेगा? जेलसी, हसद, हसद करना, झूठ बोलना, हसद करना, तो एक पेड़ एक रुक जाए कहीं, हसद करना भाई, क्या करप्शन? अच्छा मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसमें एक ऐसा आएगा जो आप में से कोई नहीं बताएगा, मुझे लगता है बॉयज में से शायद कोई बता पाए, कोई है कोई लड़का ऐसा जो है हमारी एक हमारे कौमी खेल समझ के, हम उसको फर्ज समझ के करते हैं बॉयज, आप में से किसी को लगता है? सर करप्शन, करप्शन सर, करप्शन, करप्शन, बिल्कुल करप्शन, तो सर हमारे मुझे लगता है गुट्टी में हमारे बुजुर्गों से सीखी है, इस पे मत जाइएगा, करप्शन है, दिन रात हमारे टीवी चैनल्स उल्टियां कर रहे होते हैं इस मौजू पे के करप्शन है, और हम सब जानते हैं, और मैं सोच रहा हूं मैं भी लंदन चला जाता हूं कुछ अर्से, बिल्कुल। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, देखते हैं कि हमारे बाकी मांदा जवाब क्या है, और हमारा अगला जवाब है बिना मांगे मशवरा देना, हाँ मशवरा मुफ्त है वाली फील भी है, हाँ ये आदत भी है हमें। ओके टीम ए, क्या आप रेडी है? हम आखिरी राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं टॉप रिस्पॉन्स के, और इसमें मैं जानना चाहूंगा आपके रिमार्क्स। अगला सवाल जो हम टीम ए से करने जा रहे हैं टॉप रिस्पॉन्स में, वो रहा आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये वो क्या है जो पाकिस्तान में कभी भी मिल जाता है, वो क्या है? स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं, ये अच्छी बात है यार, स्ट्रे डॉग्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, आवारा कुत्ते। वेरी गुड, क्या था, और क्या थे यार, सब अपनी अपनी ऑडियंस लेके आए गए यार। आप अपने स्टूडेंट्स को क्यों नहीं लाए? पता नहीं था, नेक्स्ट टाइम। आपको पता नहीं था ये होने वाली है यहाँ पे। यस मैम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ जो कभी भी मिल जाती है? फकीर। वकील कहीं मिल जाता है? फकीर, फकीर, बैगर्स। फकीर, मुझे लगा वकील के। वाओ, यस। वकील कहीं भी मिल जाते हैं, ये कैसे? वैसे वकील भी कहीं भी मिल जाते हैं, मैं यही बोलने वाली थी। यस मैम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं भी मिल जाती है? कहीं भी मिल जाती है, मेरा भी स्ट्रीट बैगर का ही था आंसर पहले, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ क्या, अगेन धोखा, धोखा, धोखा कहीं मिल जाता है। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो एंटरटेनिंग पर्पस से और ये जिसको ये पैगाम देना चाहती थी इस शो के तवस्सुत से उसको मिल गया, अब मिल गया उसको। यस मैम, आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो पाकिस्तान में कहीं भी मिल जाती है? लूटर्स, लूटने वाले, मोबाइल, ये वो, स्नैचर, चोर। वाओ, बहुत अच्छा, बिल्कुल हाँ, स्नैचर अभी वैसे काफी हद तक कमी आ चुकी है, और मेरे ख्याल में अब काफी बेहतरी तो आई है, लेट्स सी।
आपका क्या ख्याल है? आप आखिरी राउंड में दाखिल हो चुके हैं, अब आपसे जानना चाहूंगा मैं के पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कहीं भी मिल जाती है? अच्छा, वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, बिरयानी आई गेस की कराची का। यस यस यस, मैम का मानना है कि बिरयानी बिरयानी किस जलसे में गई थी आप आखिरी बार? नहीं कराची में नहीं, बिरयानी के नाम पे हम जब खत्म हो जाए तालियां तो बताओ मुझे भाई, ऐसी ऑडियंस, ऐसी ऐसी तालियां, इतनी तालियां आपके पास यार। अच्छा आप लोगों ने 5 जवाब सही दे दिए, 50 मार्क्स हो गए लड़कों। किससे पूछा था मैंने? आपकी तालियां थी ना ये तो। हाँ यस मैम, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज है जो कहीं भी मिल जाती है? टूटी फूटी सड़कें। टूटी फूटी सड़कें, ओके, टूटी फूटी सड़कें। सब जुड़ी हुई है, ये सर्वे मुझे लगता है सिर्फ मोटरवे पे हुआ, इनको नहीं मिली टूटी फूटी सड़कें। यस मैम, आपको क्या लगता है धोखे से निकल आई? पुराने खत मांगने हैं वो भी कह दें, क्या चाहिए आपको? पाकिस्तान में कहीं भी, पाकिस्तान में, आपको नहीं पाकिस्तान में, नहीं नहीं मुझे नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान में अब मींस अच्छा, अगर मैं हमारी ब्यूटीशियन साहिबा की बातों को जोड़ूं तो बेसिकली इन्होंने कभी किसी की मेजबानी की और उन्होंने इनको धोखा दे दिया, ये है बात असल में, ये है सारा मुद्दा, जुमला मुकम्मल कर लिया मैंने। आखिरी बार आपके पास आया हूँ मैं और आप मुझे बता दें उचक सकती हैं आप ये 10 नंबर, क्या लगता है आपको? वैसे तो बहुत कुछ है, अच्छा बुरा कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो कहीं भी मिल जाता है, कहीं भी मिल जाता है। राह चलते हैं, आपको लगता है यार ये अभी पीछे तो गुजरा है, यहाँ भी आ गया। ओके, वो क्या है जो पाकिस्तान? और आप लोग ठीक है सब सही? लेकिन ये सवाल हमसे नहीं होगा ना, क्या हो सकता है? जो मुफ्त के मशवरे होते हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं दुपट्टा ऊपर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, मुफ्त के मशवरे, सजेशन, मुफ्त के मशवरे, ये आपने पिछली बार भी कहा था। नहीं मैंने कहने का मकसद ये कि फॉर एग्जांपल आप ड्राइव या एंजल्स कह लीजिए, उनका जवाब है वैसे, मतलब वो जो गाइडर्स होते हैं, गाइड करने वाले, वो भी मिल जाते हैं, रहनुमाई करने वाले लोग मिल जाते हैं हमें फरिश्ते, जिन्हें हम कहते हैं कि उस वक्त वो फरिश्ता आ गया पता नहीं कहां से। यस, क्योंकि हमारा पाकिस्तान है और हमें अच्छाई भी देखनी है। आप इस वक्त मुझे सिर्फ आप फरिश्ता लगी ये बात करते हुए कि पाकिस्तान में वो कौन सी चीज है जो कहीं भी मिल जाती है? पुलिस। पुलिस हमें कहीं भी मिल जाती है। ओके, सो टीम ये वैसे ए ने इस राउंड में लिए हैं। पचास नंबर लिए भाई, क्या बात है, वेल प्लेड, सिर्फ एक जवाब नहीं दे पाए, इट्स ओके, 50 नंबर्स हैं बॉयज, सो इसको अचीव करना पड़ेगा। ओके, सो टीम भी आपका सवाल है कि वो क्या है जो 75 साल बाद भी पाकिस्तानियों से नहीं हो रहा? एज आई सेड अर्लियर के सियासतदान क्या हमारा मुल्क सही से नहीं चला रहे, नहीं चला पा रहे। ओके, दैट्स सो बेसिकली हम मुल्क को सही लीडर चुन नहीं पा रहे, गवर्नमेंट सही से चल नहीं पा रही। ओके राइट, देखते हैं क्या ये जवाब हमारे पास है। कंप्यूटर, ओके, सो गवर्नमेंट चलाना इज राइट देयर। 10 नंबर आप लोग ले चुके हैं। अब अगला सवाल आपसे किया जा रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज है या वो कौन सा ऐसा काम है जो 75 साल गुजरने के बाद भी हमसे नहीं हो पा? गलती नहीं मानना और दूसरों को ब्लेम करना, लाइक ढीठपन दिखाना, ब्लेमिंग गेम्स, ब्लेम गेम, ढीठपना करना, अपनी गलती तस्लीम मत करना, क्या ये है? अपनी बात पे कायम रहना। हाँ, परफेक्ट 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 परफेक्ट। यस सर, आपको क्या लगता है? ईमानदारी से काम नहीं करते, बेईमानी, बेईमानी का साथ दे रहे हैं, आज तक नहीं सुधर पाए। बेईमान है, सही फैसले नहीं ले पाते बेसिकली। कोई एक बात करते हैं, वहां पे क्या दिखवाऊं मैं? ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है, सही फैसले नहीं कर पाते, ये एक अलग बात है, ये तो अलग डिबेट है। ईमानदारी आएगी तो फैसले भी करेंगे ना सही तरह से। ईमानदारी नहीं है हम में, या बेईमानी।
बेईमानी। फाइनली शुक्र है, शुक्र है। ओके, तो तीन जवाब तो सही हो गए हमारे, 50 नंबर से ना आप लोगों के, है ना, इस राउंड में। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं नहीं इस राउंड में 50 से उनके। सर आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन सी चीज है जो 75 साल बाद भी हमसे नहीं हो रही? तब्दीली का नाम आना। पॉलिटिकल सटायर करूंगा मैं। तब्दीली नहीं आ पा रही, आपको लग रहा है कि तब्दीली नहीं आ पा रही? इमरान खान का दुश्मन है। ट्रेन ट्रेन अंदर कोई प्रो बैठा हुआ है जिसने कहा नहीं। सर आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी ऐसा कौन सा काम है जो 75 साल बाद भी करने में नाकाम? वेरी ऑनेस्टली, पाकिस्तान अभी तक रेलवे ट्रैक नहीं बिछा सका कहीं भी। जो गोरे बना गए थे ब्रिटिशर्स, आज तक वही चल रहा है। ट्रेन कभी टाइम पे नहीं चलती और ना टाइम पे आती है। रेलवे निजाम हम नहीं बना सके आज तक अपना, 75 साल गुजरने के बाद भी। और रेलवे का निजाम, बहुत सी बात, बहुत सी बात। आई एम इम्प्रेस्ड। 10 नंबर और चाहिए, मैच टाई हो जाएगा। सर क्या लगता है आपको? गुलामी से दूर हो जाना, लाइक अपने नफ्स भी गुलामी में भी अभी तक हैं हम लोग, लाइक आज़ाद नहीं हुए हैं, लाइक गुलाम ही हैं, ये वाला सीन। लाइक हम आज़ाद नहीं हैं, लाइक वी आर नॉट लाइक लाइक इन द सेंस के लाइक आज़ाद नहीं हैं हम, थोड़े ख्वाहिशात के गुलाम हैं। ठीक है, ख्वाहिशात के, लाइक ख्वाहिशात, राइट, एग्जैक्टली, लाइक ख्वाहिशात के गुलाम हैं हम, राइट? ओके, यू नो, इज इट, इट्स अ नो, इट्स अ नो। सर आपको क्या लगता है कि 75 साल बाद ऐसा कौन सा काम है जो हम करने में नाकाम हैं? अब तक सही फैसले नहीं ले पा रहे। सही फैसले नहीं ले, आप कौन से फैसले नहीं ले पा रहे? गवर्नमेंट से रिलेटेड है, बहुत सारे। यार इसकी ख्वाहिश पूरी कर दो यार, मेरे कहने पर अदलिया से रिलेटेड बात कर रहे हैं। नहीं, इट्स अ नो, इससे बड़े मसाइल हैं। इसका मतलब है रेलवे का निजाम वाली बात अच्छी लगी मुझे, कि हमारी कौम इतनी समझदार है कि जिसको ये पता है कि अच्छा रेलवे का निजाम जो है अभी तक दरहम बरहम है और उसको दुरुस्त होने की जरूरत है। सर आखिरी चांस है आपके पास, 10 नंबर ले लें, टाई कर लें। आपको क्या लगता है 75 साल बाद क्या नहीं हो रहा हमसे? काम ही नहीं कर पा रहे हम, कोई भी काम नहीं कर पा रहे, कोई भी काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने कौम का पट्टा ही बैठा दिया, उन्होंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा हमसे, सारे इधारे नकम्मे, काम नहीं हो पा रहा। हारने वाली फील आई है मुझे कुछ, है ना, हार हार वाली फीलिंग्स आ रही है मुझे। ओके, सो लेट्स सी के आखिरी दो जवाब क्या हैं जो हमारी टीम बी नहीं दे पाई। इज्जत करना, 75 साल बाद भी हम इज्जत नहीं कर पाए अपनों की, अपने बड़ों की, अपने मुल्क की, अमलाक की, कुछ भी होता है हम अपना अमलाक जलाना शुरू कर देते हैं। ओके, सो लेट्स सी के आखिरी जवाब क्या है हमारे पास। सफाई नहीं कर पा रहे हम लोग, बिल्कुल सही, दुरुस्त जवाब। ओके, सो लेट्स सी के टॉप रिस्पांस के इख्तिताम पर, हमारे पहले सेगमेंट के इख्तिताम पर टीम्स का स्कोर क्या है। टीम ए है 90 पे, क्या बात है, वेल प्लेड गर्ल्स। और टीम बी बहुत दूर नहीं है, अभी 3 सेगमेंट्स बाकी हैं, 3 गेम्स बाकी हैं। टीम बी बेसिकली बहुत दूरी नहीं है, तो उम्मीद करते हैं कि जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे वो द फन में, तो टीम बी एकदम फिर से राइज करेगी और टीम ए तो ऑलरेडी लीड पर है। तो देखते रहिए व्हाट द फन, स्टे ट्यून, विल सी यू राइट आफ्टर दिस ब्रेक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं, प्रोग्राम है व्हाट द फन, मैं हूं आपका मेजबान मोहसिन अब्बास हैदर। ओके, सो टीम ए ने अब तक लीड ली हुई है 10 रन की और टीम बी ने, द बॉयज आर हियर विद 80 पॉइंट्स। एक्सक्यूज मी, यस सर प्लीज। सर बात यह है कि आप इतनी देर से हमें बॉयज बॉयज कह रहे हैं, आई एम 67 एंड माइंड यू आप मुझे आप बॉयज कह रहे हैं, आप यकीन करें मुझे हारने जीतने की कोई फिक्र नहीं है, बट आई एम रियली एंजॉयिंग, आई एम एंजॉयिंग दिस, थैंक यू। ओके, परफेक्ट, चले परफेक्ट। ओके, अब हमारा जो अगला सेगमेंट है वो है शोर शॉट। इसमें आपको पिक्चर्स दिखाई जाएंगी और आपको बूझना होगा कि अब आप पहले तो एक
डिसाइड करें, हम इस बार इनसे खेलें पहले, है ना, इस बार इनसे बॉयज डिसाइड कीजिए कि आप में से कौन आएगा जिसकी बैक पे वो तस्वीर आएंगी और आप लोगों को बुझवानी है, बता के इशारे नहीं करने, सिर्फ आप बताएंगे उसके इर्द गिर्द के नाम ले सकते हैं, उस चीज का नाम लिए बगैर आप लोगों ने गेस करना है कि वो क्या चीज है। सो कौन आएगा? ओके ओके सर, सर कहाँ जा रहे हैं? जा कहाँ जज्बाती हो यहाँ से। चलिए सर आपकी बारी, चलिए आप बताइए। पाकिस्तान जिंदाबाद, सफेद जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पहनना है फ्लैग? हाँ यस। गलत जवाब, चलिए आगे बढ़िए। सर आपकी बारी। नो नो आप यू आर अबाउट टू से अच्छा नेक्स्ट एफएम 107 106 एफएम 106 रेडियो रेडियो यस यस ओके ओके ठीक है। मिसाइल माइनस हो गया आपके मिसाइल सर ठीक है। बच्चे बच्चे जो बजाते हैं अक्सर खेलने के लिए, बाजा बाजा। ओके यस योर टर्न। मैच में एक्साइटमेंट पूरा ना ना बूढ़े से पाकिस्तान चाचा चाचा पाकिस्तानी उड़ने वाली चीज है हवाओं में जैसे फाइटर पायलट जहाज। यस फाइटर पायलट सर 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 कैप्टन साहब। यस नेशनल गेम बहुत बुरा खेला और नेशनल गेम सॉरी सॉरी असल में दो सेकंड के अंदर एकदम बताना तो यही तो गेम है। नहीं अच्छा बात बात ये जहन में नहीं आ रहा कि क्या कह रहे हैं पहले एकदम से क्लू भाई इतना कंफ्यूज थी मैंने नहीं किया तो ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू क्या हुआ All the best career. All the best career. Okay, so कौन आ रहा है आपकी टीम में से? सायरा। इतना बुरा तो नहीं खेलने वाले आप तो। I hope. आइए please ma'am. आप हो मेरे। Yes. आपकी तस्वीरों का सिलसिला शुरू होता है। Segment है show shot. अब. अब 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 Mountains, oh, or glacier, no, yes, mountains, glaciers, white snow. Bull, नहीं हुआ. आप Lahore, very famous place in Lahore. Tower, Minari like tower. Yes, 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 yes ma'am. हमारे founder Sayyid Mutalik है बलूचिस्तान में. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा. Lake, lake, है ना lake. Founder Sayyid Mutalik. ज़ारत, yes, yes. बॉलर पाकिस्तानी बॉलर फास्ट बॉलर रावलपिंडी एक्सप्रेस में नाम सुन रही हूँ नेशनल बर्ड National animal. नहीं, वो निकल गया हॉकी प्लेयर नेशनल हॉकी प्लेयर मूव ऑन यस मैम 10 सेकंड्स फौज में यूज होता है फौज में जंगों के दरमियान यस मैम फेमस ट्रांसपोर्ट फॉर सॉरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट फेमस पब्लिक ओल्ड ट्रांसपोर्ट लाइक बस सर Okay. National hero. National hero. Yeah. Lahore. For Air Force. No. Rashid Minhas. चलिए आप बताइए. Mohammed Amir. हाँ आप सही कह रहे हैं. For cultivation in village, like transport used for village में. For cultivation. Tractor. Well played. Yes, ma'am. Please. Thank you. Well played. Anyways, it was tractor. Not bad. Yeah. अच्छा. Okay. सबसे पहले हम आज डिस्कस करेंगे दोस्तों इस क्लास में आपके टीचर मोहसिन अब्बास हैदर आपको ये बताएंगे कि हमारा कौमी परिंदा मारखोर है <laughs> <laughs>
Did you just said Markhor a parinda? Did you? और सही दजबल फास्ट बॉलर ये किसने कहा था? आपने कहा था? नहीं नहीं मुझे बोल रहे थे ना। शायद। नहीं नहीं आपने कहा था। सही दजबल फास्ट बॉलर है कि आपने कहा? नहीं पाकिस्तानी बॉलर है फास्ट मैंने नहीं बोला। फास्ट किसने कहा था? फास्ट। आपने कहा था? क्या बात है तालियां बजा दो जरा इनके लिए। आप बजाओ आप बजाओ आप बजाओ। मुझे कोई ट्रस्ट नहीं है इस गेम से। इट्स ओके इट वाज फन लेकिन आप लोगों ने उतना बुरा नहीं खेला जितना बुरा हमारी टीम बी ने खेला था। वैसे आपको क्या हुआ था? आप लोगों को सच्चा प्यार नहीं मिला। आपको हुआ क्या था? आप मिसमराइज्ड हो गए थे चीजें देख के। यस आपको समझ नहीं आ रही थी बोखलाहट में। बट दैट्स द फन ऑफ दिस गेम कि 10 सेकंड के अंदर आपको पूछना होता है। मेरे ख्याल में अब हम फाइनल रिजल्ट की तरफ बढ़ते हैं। Which is not bad. आप ये सब कर कर आके भी जो है मारखोर वगैरह ये परिंदे और ये सब करके भी आप ये बताना चाहता हूँ कि what the fun में अब वक्त हुआ एक वक्फे का और वक्फे के बाद हम लौट कराएंगे। तो दो और सेगमेंट बाकी हैं तो देखते हैं कि हॉरर शो शुरू हो गया। Oh really? Oh my god. इतना इतना हुब्बुल वतन ट्रैक को पहली दफा देखा है। भाई देखें मैं हूं तो पाकिस्तानी। हाँ ये तो है। अगर आप मुझे इलाकों में नहीं चाहते तो क्या हुआ? मैं जंगलों में तो रहता हूँ ना। क्या बात है। आपके लिए मिलाऊंगे। क्या आपने शेरवानी पहन ली लेकिन लगाया नहीं झंडा? हाँ ये है बात। और ये देखें तोहफा लाए आप सबके लिए जो हमारी हिफाजत कर रहे हैं। सबसे पहले तो उनको लगाना चाहिए। क्या बात है। इसके बदले में एक एक कप खून चाहिए मुझे। अबे खून कहाँ से मिलेगा मिस्टर डी आपको? उधर दें कैप्टन साहब को दें। वैसे आप ठीक कह रहे हैं। आप आपकी बिल्कुल मुमासलत है उनसे। कैप्टन साहब बिल्कुल सिंगिंग करते हैं। एक हम प्रोड्यूसर को देंगे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं। एक बात बताएं। जी मिस्टर डी आपका इलेक्शन लड़ लें। क्यों मिस्टर डी? ये सदर वाली शेरवानी क्यों पहनी? हालांकि आप रहते बंस रोड पर है तो सदर वाली शेरवानी क्यों? ये अच्छा है। लेकिन इस शेरवानी के पीछे आपको पता ना कितने लोग इंतजार करते हैं इस शेरवानी को पहनने का। कई उन्हें सिलवा के रखी हुई है अब तक। कई मुंतजर हैं। बिल्कुल। कई पहन के ख्वाहिश पूरी कर चुके हैं। लेकिन ये टोपी देख के ना मुझे बड़ा अफसोस होता है। काहे? क्योंकि इस टोपी पे ना लोग बहुत टोपियां करवाते हैं क्योंकि नोट पर टोपी है तो उसको हासिल करने के लिए तो हमें इस टोपी की इज्जत करना चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। और वरना ये एक फिल्म मैंने देखी थी नोटों में से कायदा गायब हो जाते हैं। हाय हाय हाय। अल्लाह करे ऐसा हो। ऐसा ना हो। ऐसा ना हो। जिन्होंने भी पैसे जमा करे हैं ना करप्शन के वो गायब हो जाएंगे चलेंगे नहीं। सही बात है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इतनी सारी पुलिस मुझे पकड़ने के लिए बुलाई है? आप नहीं आप पकड़े जा ही नहीं सकते। आपको कैसे पकड़ेंगे? आप तो जहां से पकड़ना वहां तो खत्म हो जाते हैं आप। आप इन सब ने जो आपको इतना मतलब कंफ्यूज किया आप उससे बदले ले रहे हैं। मिस्टर डी इन्होंने कहा मारखोर परिंदा है। मारखोर हमारा कौमी परिंदा है। नहीं असल में इन्होंने पता क्यों कहा? इन्होंने अक्सर उसको पहाड़ों पे देखा होगा ना तो ये ऊपर से ऊपर होता है खाली। इनको लगा उड़ रहा है। वो उड़ रहा है। अरे वो उड़ रहा नहीं वो चल रहा होता है। हाँ सींगों वाला परिंदा लगा इनको। खैर माफ कर दे बच्ची है मिस्टर डी। मतलब अपने माँ बाप की जो बच्ची है ना वो आपको खून नहीं देंगी पीने को। पहले बता रहा हूँ आपको जो चक्कर में आप। खून कहाँ मिल रहा है? खून कहाँ है? देखे ना 75 साल हो गए। हाँ। इस पाकिस्तान का खून हर कोई चूस रहा है। सही बात है। इस पाकिस्तान में खून बचा क्या? मट्टी में खून कहाँ बचा? हाय हाय हाय। कोई बिजली के नाम पे खून पी रहा है। सही बात है। कोई वोट के नाम पे खून पी रहा है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। कोई करप्शन के नाम पे खून पी रहा है। दुरुस्त। और सबसे ज्यादा जो खून पी रहे हैं वो हुक्मरान पी रहे हैं। सही बात है। वैसे एक बात मैं हर 14 अगस्त को खून देता हूँ पीता नहीं। देते कैसे आप है? किसको देते हैं खून? मतलब ऐसे आपका खून किसको लगता है? डोनेशन करता हूँ। मेरे पास एक फोन आया। हाँ। मुझसे बोला खून चाहिए। हाँ। मैंने खून दे दिया। थोड़ी देर बाद कॉल आई बोले जिसको आपने खून दिया है मिस्टर डी आपसे बात करना चाहता हूं। सॉरी आप पे मक्खियां बैठ रही। आपको पता ना मक्खियां किस चीज पे बैठती है? मीठी चीज पे। नहीं एक और चीज भी है।
यार वो शहद तो मीठा ही होता है जी, उसके अलावा भी एक होता है, वो उनको समझ आ गई है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे। आपने ड्रैग कर दिया पता? नहीं नहीं, मैं सुन रहा हूँ। मैंने खून दिया। अच्छा, वहां से फोन आया। हाँ। मुझे बोला जिसको आपने खून दिया वो आपसे बात करना चाहता है। ओके। आपने उसकी जान बचाई है। रियली? मैंने बात की, वहां से आवाज आई, वाह वाह। मैंने बोला ये क्या, ये कौन है? बोला ये वो कुत्ता है जिसको आपने खून दिया। क्या बात है। मतलब यार आपने मेरा खून कुत्ते को दे दिया। मतलब कोई बात नहीं, आपका एक्सीडेंट होगा तो इसका खून आपको दे देंगे। क्या बात है, बहुत। ये बात नहीं, कुत्ता बना भाई। नहीं, मिस्टर डी, जानवर की जान बचाना भी अच्छी बात है ना यार। जानवर की तो जान बचा रहे हैं, देखे ना सीन। लेकिन उसका खून आपको लग जाएगी। सीन हुकूमत ने जितनी कुत्तों की जानवरों की जान बचाई ना, किसी ने नहीं बचाई। उन्होंने बोला हम कुत्ते नहीं मारेंगे, ये भी जानदार है, इन्हें जीने का हक है। बिल्कुल, देखें गली गली में फिर रहे। आप इतनी जुमानी बातें करेंगे ना, शो बंद हो जाएगा। सर ये न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, अखबार में डबल मीनिंग बातें मत करें आप। अखबार की बात बता रहा हूँ मैं तो। नहीं, आप ना करें ना, प्लीज ना करें। सिंध गवर्नमेंट होता है, पहला एपिसोड है, ना करें। हम कुत्ते नहीं मार सकते। हाँ, आप पता नहीं किस कुत्तों की बात कर रहे थे ये। आप और वजाहत कर दें, तशरीह कर दें इसकी पूरी। आप चले, कैप्टन साहब से मिले आप? नहीं सर, कैप्टन इतना बुरा खेली है ये टीम अभी, उनको दाद दे, मुबारकबाद दे उनको। ये क्रिकेट के कैप्टन है। अस्सलाम वालेकुम। या मेरे खुदा, सरफराज। अरे नहीं, वो नहीं है, पहले उन्होंने सईद अजमल को फास्ट बॉलर कह दिया। अच्छा, आपने बोला ना इतना बुरा खेले, तो बोला शायद हमारे सेगमेंट शोर शॉट में बहुत बुरा खेले। अच्छा, गेस नहीं कर पाएगी। किस चीज के कैप्टन है? अरे अच्छा, आर्मी में है। बस सर एक यही रह गई है जिसकी वजह से पाकिस्तान बचा हुआ। सर लव यू है सर, सर लव यू है। सो ब्रेक ले लें अब आप। आप आए ही हैं तो आप ब्रेक ले लें। मजा इस बात का लेंगे, मुंह से आवाज घोड़े की निकाली है, रोकी गाड़ी है। तो यार मिस्ट्री, कम ऑन यार, एक बात बताएं। कम ऑन, चलता हुआ घोड़ा ब्रेक लेके रुकता नहीं है क्या? ऐसे रुकता है तो लगाम पे, वो भी ब्रेक ही होता है, ये भी ब्रेक है। मिस्टर डी कम ऑन, जस्टिफाई ना किया करें अपने लेम जोक्स। यार मेरे टांग से ब्रेक लगाई, मुंह से आवाज निकल रही, क्या हो गया? व्हाट द फन का ब्रेक लें, चले। नाज़रीन नाज़रीन, हम थोड़ी देर बाद आपके पास फिर दोबारा आते हैं और फिर एंजॉय करेंगे और खेलेंगे। व्हाट द फन, निकल यहां से, फन ना। ख्वातीन हज़ार देख रही है व्हाट द फन, और हम लौट कर आएंगे छोटे से वक्फे के बाद, खेलेंगे हमारी टीम्स के साथ अगला सेगमेंट। स्टे ट्यून्ड टू टीवी वन। Welcome back to What the Fun. Okay, so हमारा जो अब सेगमेंट शुरू होने वाला है वो आप लोगों ने ये मोमबत्तियां तो देख ली होंगी, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग सी हम कुछ एक गेम खेलने वाले हैं। मियां मोहसिन मियां, एक बात बताएं। क्या ये मोमबत्तियां तो आपने मंगा ली है, केक का है? ये वो वाली मोमबत्तियां नहीं है, गेम है। बॉल टू विन सेगमेंट शुरू होने वाला है। Right here. ओके, सो इसमें हमने ये देखना है कि किसके सांसों में इतनी ताकत है, फेफड़ों में इतनी जान है, जो आखिरी मोमबत्ती तक अपनी फूंक को पहुंचा सकता है। देखना पड़ेगा खवातीन और हजरात में से कौन जीतता है। लेट्स सी, आप कर सकते हैं वैसे ये? मैं कर तो लूंगा, लेकिन ये सीख जाएंगे। इनको पता, इनके सामने मत करिएगा। फिर कौन आना चाहेगा पहले खवातीन से करवाएं? नहीं पहले। अच्छा, इनसे करवा लें, टीम बी से पहले करवा लें। चलिए, टीम बी में से कौन आना चाहता है पहले? वैसे तो चारों को तबाजमाई करनी पड़ेगी। तो कैप्टन साहब के लिए तालियां। सर इधर इधर से मुंह मारनी है आपने और देखना है हमें कि आप कहां तक गुजार पाते हैं। अच्छा, म्यूजिक प्लीज। ओके 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 ओके, आपकी बारी, आपकी बारी। हो जाएगा, हो जाएगा, यही थे। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, करीब करें, मुंह करीब करें वो यार, यार मुंह करीब करके आपने बहुत दूर से किए हैं, और करीब हो। अरे यार नहीं, ज्यादा करीब नहीं जाना ना। मैंने करीब जाके हमारे बैंकर्स पे आखिरी, मैंने जितने करीब टिकी हुई है अब उम्मीद। ओके, सो काउंट करना शुरू करते हैं मिस्टर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 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
ब्यूटीफुल, कमाल कर दिया आपने। ओके सर, टीम बी 14 मोमबत्तियां बुझा पाई है। अब देखना है कि खवातीन किस हद तक जाती हैं। आप में से पहले कौन आना चाहेगा? आपसे ही आगाज करते हैं। यस प्लीज। ओके ओके आपसे बड़ी तवक्को है हमें, हमारी हाई होप्स है आपसे बड़ी। हो गया, हाँ हो गया, याद रखो, हो गया। आइए आप उस साइड से कर दिएगा। चार और बुझानी है, एटलीस्ट टाई कर दे, 100 मार्क्स का मैच है ये। ये वैसे एलईडी लाइट्स लग रही है ना, वैसे कहते हैं दिए जलाए रखना, हम क्यों दिए क्यों नहीं जला रहे? इस पे हम दोनों बहन भाई अलग से बात करेंगे। लेट मी ट्राई। वाओ, ओके, नाइस। आपको भी ये मौका दिया था मैंने। किसने पूछा था? आपने पूछा था। मैंने आपको कहा था आप रोए मतलब, रो मतलब। चले बराबर हो गया, सब बराबर हो गया, 14 ही है। 14। अच्छा वैसे हम दोनों ट्राई करके देखे कि 14 से आगे बात बढ़ क्यों नहीं रही। यार मैं चाह रहा नहीं हूँ कि आप बने ना सीनियर होस्ट है। आप जलील हो ऑनियर। चले आप ट्राई करें, आप जूनियर होस्ट है। खत्म हो गई है अब आपको, आप जिंदा है ना, आखिरी सांस तो नहीं थी आपकी। भाई आप में से कोई ट्राई करना चाहता है? प्लीज प्लीज एनीवन, किसी को लगता है कि उसकी फूक में इतना दम है कि 14 से आगे बात बढ़ सकती है? कम ऑन साहब, आसिफ साहब। सर सर थैंक यू। देखें मैच तो टाई हो गया है, इसमें कोई शक नहीं है, मैच टाई हो गया, 14-14 पे बात खत्म हो गई। लेकिन ये 14 के बाद कुछ जादुई मोमबत्ती है जो बुझ नहीं रही। मोहसिन भाई मेरी हिम्मत बढ़ी है, आप ट्राई कर ले एक दफा। मैं ट्राई करूं एक दफा, वहां से देख लेते ना खवातीन में से। आप में से कौन ट्राई करना चाहेगा? एनीवन, मैम आप आइए, आप आइए, आप क्लास की मॉनिटर हैं, आइए आइए। मुझे सिर्फ 15वीं मोमबत्ती बुझती देखनी है क्योंकि ये नहीं बुझ रही। हो गया 15, आपकी बारी है, आपकी है, नहीं करें ऑनर जलील हो जाऊंगा, वहां से मार ले। मैं उधर से जाके बचा लेता हूँ, उधर वाली जो ना। लेट्स ट्राई मिस्टर डी। कोई बात नहीं, मैं पीछे से पंप कर रहा हूँ आपको। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। नहीं नहीं ऐसे हवा भरे ना, मैं बरमान चलाता ना। हाँ वाह, ये कमाल आपका नहीं है, शेरवानी का है। मिठड़ी अब काउंट तो करें में से। हाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, क्या बात है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ओके सो एक बात है, लड़कियों को मार्क्स ज्यादा देना चाहिए। काहे? क्योंकि इनका काम है आग लगाना, बुझाना नहीं, फिर भी बुझा बुझाती फिर भी। इतना कूटेंगी ना ये सब आप। कोई बात नहीं, मैंने पीछे का रास्ता देखा। ओके सो बेसिकली हमारा वॉर टू विन सेगमेंट जो है वो टाई हो गया। इट्स ओके, क्या बात है, ड्रॉ हो रही है। अभी भी हमारे पास इसके बाद एक गेम और बाकी है, एक सेगमेंट पूरा और बाकी है, तो वो फैसला कुन मरहला होगा जिसमें हमें ये पता चलेगा कि कौन सी टीम जीती है, टीम ए या टीम बी। कैप्टन साहब कह रहे यार इसमें नहीं हारना। आपको पता नहीं कैप्टन है? हाँ मैं इनका बड़ा फैन हूँ, मैंने इनके बड़े गाने सुने। कौन सा वो गाना आपका बड़ा कमाल था? वो कौन सा? हुम्मा हुम्मा कर भैया, मोहम्मद अली शेखी साहब थे वो। ये कौन है? अरे ये मैं तो वही समझ के इज्जत कर रहा हूँ। अरे
कैप्टन साहब हैं। कैप्टन मतलब किस चीज के? बहरी जहाज के। ओ गाने भी गाते हैं, यानी कि ये वही शख्स है जिसने टाइटैनिक मारा था गाना गाते हुए। या खुदा, ये मिस्टर डी आपके लेम जोक्स से ना किसी दिन मेरे मैं जा भाग हो जाऊंगा। नहीं होता ना, मतलब गाने में खो जाता है और जहाज ठोक दिया और उन्होंने धो दिया सबको पूरा पानी पानी। आपको गुमा है ना मोहम्मद अली शेखी साहब का? आपको इनका गाना सच में सुनाऊं मैं? बिल्कुल सर। है ना सर, पर कैप्टन साहब ने बहुत सी तालियां, लेकिन गाना ऐसा हो मेरी नगमा सुनाएंगे अभी आप सर। चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, चांद मेरी जमीन, फूल मेरा वतन, मेरे खेतों मैन। अब बारी है बजर बैटल की मिस्टर डी। इस बजर बैटल में टीम में से कोई भी एक कंटेस्टेंट आएगा और वो पहले बजर दबाकर हमारे जवाब सवाल का सही जवाब देगा और फिर जो टीम जीत जाएगी हम उससे जाके सवाल करेंगे। 10-10 पॉइंट का ये राउंड होगा, ठीक है? आपकी टीम वो रही, सही है। मैं ये टीम ले लेता हूं। अपनी टीम से बंदा भेजें कोई, कौन है? बंदा भेजो? अरे बंदी भेजें यार, अल्लाह के बंदे को बंदी भेजते हैं। हाल में मैम को बुलाना चाहेंगे आप? बुलाइए बुलाइए बुलाइए, आइए मैम यहाँ। और मेरी टीम से मैं को बुलाना चाहूँगा। जब सवाल हो जाएगा उसके बाद दबाना। सवाल जैसे मैं पूछूंगा जिसको आज हमने सीखा कुछ देखिए ये होता है इत्तेहाद, अगर पाकिस्तान भी ऐसा इत्तेहाद कर ले जैसे इन्होंने किया हुआ है, हम पता नहीं कहाँ चले जाएं। इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, मरने लगे हैं क्या? ओके सो गाइस, एक सवाल पूछा जाएगा जिसको जवाब आता होगा वो बजर दबाएगा और फिर वो जवाब देगा और जो पहले बजर दबा देगा और जो सही जवाब दे देगा हम उसकी टीम की जाने बढ़ जाएंगे। ओके और बात सुने, ये मेरी टीम है, सवाल सही देने से पहले ना उधर देख लेना। सो रेडी फॉर द बजर गाइस, बजर के लिए तैयार रहिए। गवर्नमेंट को अवाम का डैश पीने की आदत हो गई है। आउच, खून। यू आर राइट, खून पीने। इट्स ओके, लेकिन ये आधा हमारे को जाएगा क्योंकि शुरू में मैंने बताया थी बात, मेरी बात को। अच्छा मिस्टर डी चलें सेकंड की है। अपनी कंटेस्टेंट लेके ना वहां जाएं आप इलाके में, समीज से बात करें। आपको कह रहा हूं, उनको नहीं कह रहा। हां आपको कह मैम, आइए आइए आइए, प्लीज जाना जरूरी है। अच्छा ये मैम नहीं जा रही, मैम नहीं जा रही, तालियों का इंतजार है, उनके जाने में भी तालियां बजाओ। मैम को तालियों की इतनी आदत हो गई कि वो कह रही मेरे जाने में भी तालियां बजाई उनको। ओके चलिए हम आप शुरू करने जा रहे हैं बस बैटल का राउंड। और आपसे पहला सवाल सर, पाकिस्तानियों को डैश करना बहुत पसंद, शो ऑफ करना? नहीं, पाकिस्तानी को डैश करना बहुत पसंद है। करप्शन? पाकिस्तानी को डैश करना बहुत पसंद है। चुगली? पाकिस्तानियों को डैश करना बहुत पसंद है। शादी? रोज रोज कहते हैं, सब करते हैं और रोज करते हैं, कहते शादी रोज कौन करता है? घर नहीं जाना मेरे सर, खाली आप वादे वादे शादी से वादे रोज करते हैं। अरे क्या कह रहे हैं, तो हार सामने कह रहे हैं। ओके सो मेरे ख्याल में इस सवाल से हम जान छुड़ा लेते हैं। पाकिस्तानियों को छुट्टी करने का बहुत शौक है, बहुत पसंद है उनको छुट्टी करते हैं, ये तो ये लिखा था। ओके अगले सवाल की जाने पड़ते हैं, आई होप के इसमें आप लोग कामयाब हो सकें। पॉलिटिशियंस को डैश करने में शर्म नहीं आती, झूठ बोलने में शर्म नहीं आती, सही कह रहे हो, लेकिन जवाब ये नहीं है। पॉलिटिशियंस को डैश करने में शर्म नहीं आती, बी क्विक। करप्शन ही है, करप्शन इट इज, कम ऑन गाइस। फाइनली 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 हमें सबका डैश करना चाहिए, इज्जत
एहतराम करना चाहिए, बिल्कुल दोस्त इज्जत करनी चाहिए। हमें पड़ोसी का डैश रखना चाहिए ख्याल। वाह पड़ोसन पड़ोसन चलो ये क्या भाई शादी से ख्यालों में तो आए बड़े दरवाजा खोल नहीं देंगे आपको। मुझे हैरत ये है कि इनके एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे थे ख्याल। हमें पड़ोसी का डैश रखना चाहिए ख्याल। बहुत देख के इधर देख के ऐसे कौन कहता ख्याल। और अगर ये सही ख्याल नहीं रख रहे पड़ोसी का मैं बता रहा हूँ आपको, ऐसे ख्याल नहीं ऐसे नजर रखी जाती है। मोहसिन भाई, मोहसिन भाई भाभी पता करे पड़ोस में रहता कौन है जिनका ये ख्याल कर रहे हैं। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर आपसे, पाकिस्तान बनाने के लिए हमारे बुजुर्गों ने डैश दी हैं, बहुत सारी जाने दी हैं। यस सरकारी दफ्तर में हमें काम करवाने के लिए डैश देनी पड़ती है, वो मत कहिएगा जो आप सोच रहे हैं। पाकिस्तानी रिश्वत रिश्वत निकले रिश्वत दिल से निकली है दिल से। राइट आंसर। मुझे खौफ था ना कि कहीं फिल्मी निकल ना जाए आपके पाकिस्तानी इदारों में काम निकलवाने के लिए हमें डैश देनी पड़ती है। ओके मूव ऑन। लोग पाकिस्तान से बाहर जाकर डैश करना चाहते हैं, नौकरियां डांस नहीं हो सकता, नौकरियां करेंगे पहले कमाई करेंगे, फिर एंजॉय, पहले नौकरी फिर एंजॉय। आप सही कह रहे हैं, मैं अपनी खाश बता रहा हूं। जवाब दुरुस्त हुआ। ओके ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवार का डैश चेक करती है, आप मुझे ऐसे मत देखें, मैं आपको ड्राइविंग लाइसेंस मैं नहीं कर रहा शो ऐसे भाई, मैं नहीं कर रहा ऐसे शो। अजीब अजीब नजर देख रहा है इनको, कैसे आदत से मत ऐसे कौन देखता है यार किसी को, आदत से मत देखिए वहीं से बताए भाई वहीं रुके। ड्राइविंग लाइसेंस ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल सवार का डैश चेक करती है, ड्राइविंग लाइसेंस। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, जवाब ठीक है आपका। आखिरी में पॉकेट चेक कर लेती है, मैं बिल्कुल नहीं देखा आपकी तरफ। ए यार आप जाएं ना जाए तो आप को होस्ट हूं आपका, आप तो सीनियर होस्ट है। हाँ तो मेरी कुर्बानी जरूर देनी है, आप दे दे अपनी। नहीं सर मैं समझा करें बात का। ओके सो हम बढ़ते हैं आप लोगों के आखिरी राउंड की जानिब, देखते हैं आप लोग कितने सही जवाब दे पाते हैं और कितने नंबर उचक सकते हैं इस सेगमेंट में से। सर आवाम को पॉलिटिशियन का डैश बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, कि उनका धौंस। हाँ धौंस धौंस बिल्कुल ठीक है, जुल्म धौंस दुरुस्त जवाब। आवाम को चाहिए कि अपने लिए उठाएं आवाज। यस यस ये बात, और हमारा प्रोड्यूसर कह रहा थोड़ी आप भी उठाएं आवाज, माइक में नहीं आ रही ये। पुलिस को चाहिए कि आवाम से हमेशा डैश करें, प्यार मोहब्बत इज्जत इज्जत ताउन करे ताउन करे। लड़का किसी और चक्कर में ताउन करे ताउन करे ताउन करे दुरुस्त जवाब। पाकिस्तानी आवाम को वक्त के साथ साथ अपनी डैश भी बदलनी चाहिए, सोच आपको अपनी नजर बदलनी चाहिए और सोच भी और अपनी सोच भी दुरुस्त जवाब। फितरत भी नहीं नहीं वेल प्लेड गाइस वेल प्लेड वेल प्लेड। ओके बजर बैटल में आप बारी है टीम ए की, और इनसे जानते हैं कि हमारे मुल्क के ज्यादातर इदारों का डैश नकारा है। सिस्टम निजाम सिस्टम ने कहा देख रहे हैं ये चलता रहेगा ना ये सारे सवालों का ताली एक साथ बजा दीजिए। हाँ ये आप ना बजाइएगा। ओके 80s में हमारे मुल्क की डैश पूरी दुनिया में मशहूर थी। हमारे मुल्क की डैश पूरी दुनिया में मशहूर थी, आप बताएंगी मशहूर नगमे नगमे 80s में हमारे मुल्क के मिली नगमे। हाँ। अजी सुनते हो मिस्टर डी, मतलब हमने कोई और काम ही नहीं किया सिर्फ नगमे और सिर्फ नगमे। गलत जवाब। ओके सो 80s में हमारे मुल्क की डैश बहुत मशहूर थी।
पुलिस आपने जिस धोखे का प्रोग्राम में शुरू में जिक्र किया था वो 80 में तो नहीं मिला एटी में तो मैं बॉर्न हुई थी क्या I'm 42 मेरा फीडर लेकर आओ बात सुने मेरी चुच्छो कहाँ है चुच्छो अच्छा मैं तो अभी आया नहीं मेरा फैक्स है इधर आओ 80s में आप पैदा हुई थी माशाल्लाह अरे क्या बात है अच्छा तो बेबी बताइए कि 80s में पाकिस्तान की कौन सी चीज मशहूर थी आपके अलावा मेरे अलावा पाकिस्तान की पुलिस नहीं तो आप भी मशहूर है ऐसी मशहूर नहीं 80s में पॉजिटिव वे से देखा जाए ना तो मेरे ख्याल से तो जो मुझे समझ आ रही है वो पुलिस बिल्कुल गलत जवाब यस क्या बात जैसे मार्कर में हमारे मुल्क की डैश पूरी दुनिया में मशहूर थी थिंक अबाउट इट एयरफोर्स CIA यस कौमी एयरलाइन बिल्कुल मशहूर थी दुरुस्त जवाब लेकिन ये तो हो गया ना गलत कहा था इन्होंने पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा डैश वाकई है कमॉन मैम कमॉन यार मिस्टर डी ऐसे कैसे हो सकता है पाकिस्तान में दुनिया का दूसरा बड़ा डैश वाकई है मौसी साहब एक बात कोई नहीं बोलेगा ये स्कूल में नंबर कैसे ले लेती है माइनस हो जाएंगे अगर ऑडियंस बोली तो टेन नाइन एट सेवन फाइव फोर थ्री टू वन जीरो ओके पाकिस्तान एक डैश मुल्क है एक जमहूरी यू वांट ट्राई अगेन इस्लामी जमहूरी इस्लामी मुल्क है यस गुड आंसर चलें अब इससे आसान कुछ नहीं हो सकता मेरे पास इससे आसान सवाल है नहीं कोई आवाम को एक दूसरे की डैश खींचने में बड़ा मजा आता है अरे चुप कर जाओ नहीं इतने आसान सवाल को जाया करना मत करो उनके लिए माइनस में चले जाएंगे वो सीधी बहुत आई एम सो सॉरी कम ऑन नहीं आप अभी भी समझ आवाम को एक दूसरे की डैश खींचने में बहुत मजा आता है जान टांग 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 चलो भाई तकिए तकिए जान निकालने में लाइक जोर से बोले जान निकालने में बहुत मजा आता है नहीं टांग खींचने में मैं तो बोलूं चांदनी और चने मंगवा लो इसका मजा लेते हैं पहले रुको इसका जरा लुत्फ लेते हैं भाई देखे जान तो निकल गई ऑडियंस ने एक लफ्ज बोलकर आपका पूरा सवाल जाया करने वाले थे नहीं मैंने रिपीट नहीं होने दिया आपने रिपीट नहीं होने दिया यस अगर मैं रिपीट करती तो वहां से जो आवाज आई थी वो फिर आप इंग्लिश में बोल देती लैग बोलेंगे हम इस सवाल को माइनस करते हैं मैम आखिरी सवाल आपसे करने जा रहे हैं कि 75 साल से पाकिस्तान की डैश नहीं बदली हालत बिल्कुल दुरुस्त जवाब हमारे दोनों राउंड्स मुकम्मल हो गए ना टीम ए के साथ भी हो गए ना दोनों राउंड हो गए है ना ओके चलो आप फाइनल जरा मार्क्स बताएं मिस्टर डी क्या अरे बताएं तो सही क्या बताएं अरे फिर भी चलो बताएं ओके सो लेडीज एंड जेंटलमैन टीम ए के टोटल मार्क्स हैं 20 तो आपका इंतखाबी निशान क्या होगा मारखोर वादा करें और उसमें और आज की विनिंग टीम है टीम बी
मोहसिन साहब, पहली दफा ना दिली खुशी हो रही है। किस बात की? कि लड़कियों से ज्यादा नंबर लड़कों ने लिए। पेपरचों में तो नहीं आते हमारे, चलो यहीं आ गए। मुबारकबाद दे दो। मुबारक जी आपको, बहुत खाली मुबारक जी, जाके ट्रॉफीज लेकर आए। हमने रखी है भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब आपको विनिंग ट्रॉफी पेश की जाएगी और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमें देखा। और ऑडियंस, इतनी बढ़िया ऑडियंस थी आज हमारी, आप लोगों के लिए भी मैं तालियां बजाना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, वंडरफुल सीइंग यू गाइस, अमेजिंग एनर्जी। आओ लड़को। अरे म्यूजिक बजाओ जरा।